नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों दीपक जो होता है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, इसको सूर्य की दर्जा दिया गया है, यानी सूर्य का समान कहा गया है। जब भी किसी पूजा में दोस्तों अनुष्ठान होता है तो सबसे पहले दीपक ही जलाया जाता है, कलश जलाया जाता है, क्योंकि दीपक अग्नि साक्षी होती है कि हम जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं इस बात की साक्षी अग्नि होती है। दीपक इस बात का साक्षी होता है कि हमें जो उसका फल, जो उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। तो दोस्तों दीपक इस बात का साक्षी होता है कि हमने ये अनुष्ठान, ये मंत्र जाप या जो भी हमने किया है। तो इसलिए दोस्तों हमारे जीवन में हर जगह दीपक का बहुत ही ज्यादा महत्व है। और दोस्तों आजकल वैसे हम मिट्टी के, पीतल के, धातुओं के दिए यूज करने लगे हैं, लेकिन पहले दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अनाज का, यानी कि आटे का दीपक यूज किया जाता था। तो आज मैं दोस्तों आपको आटे के दीपक बना के कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिसके द्वारा आप धन प्राप्ति कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही खास उपाय है। तो जानकारी को शुरू करने से पहले आपसे बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीन ग्रंथों में गूढ़तम रहस्य, टोने टोटके, खास उपाय, उन सभी की जानकारी आपको प्रदान करते हैं। अगर आप भी इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं आगे की जानकारी। तो दोस्तों पहला उपाय जो है, अगर आपका पैसा रुका हुआ है, यानी कि पैसे की आवक नहीं है, या कहीं पे पैसा फंस गया है, कहीं फंस गया है, वापस नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए उपाय दोस्तों रामबाण सिद्ध होगा। आपको करना यह है कि एक माँ लक्ष्मी की फोटो या प्रतिमा जो भी आपके घर में हो उनके सामने आपको डेली एक घी का दीपक जलाना है। दोस्तों याद रहे कि जो घी रहेगा वो शुद्ध होना चाहिए, और उसमें आपको घी जलाने के बाद में, घी का दिया जलाने के बाद में माता रानी माँ लक्ष्मी से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है कि आपको ये जो रुका हुआ पैसा है ये आपको वापस मिल जाए। आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 11 दिन इस उपाय को करना है, 11वें दिन से आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपको इसमें दो लौंग भी रखनी है, दो लौंग इसमें रख के जला देनी है, यानी कि आप घी का दिया जब माता रानी के सामने जलाएंगे तो अखंडित लौंग, यानी कि फूल वाली लौंग होगी, कहीं से टूटी फूटी ना हो, इन दो लौंगों को आपको इसी दिए में रख देना है ताकि ये भी उसके साथ में जल जाए। और जब ये दोस्तों इसकी राख बच जाती है तो आप इसको बाहर नहीं फेंकना है, आपको अपने घर में ही कहीं गमले में या कहीं मिट्टी हो तो वहां आपको इसको डाल देना है, यानी इसकी एनर्जी जो रहेगी वो आपके घर में ही रहनी चाहिए। अगर आप बाहर फेंकेंगे तो इसकी एनर्जी भी बाहर चली जाएगी, तो आपको इस उपाय को ऐसे करना है। अब दूसरा उपाय है दोस्तों कि राहु और केतु की दशा आपकी अगर कुंडली में ठीक नहीं है, आपकी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है, यानी कि परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, आए दिन कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती है, तो दोस्तों उसके लिए ये वाला उपाय आपके लिए राहु केतु के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। इसके लिए आपको ये करना है, एक आटे का दिया बना लेंगे, दिया बनाने के बाद में अलसी का जो तेल होता है, अलसी का तेल आपको यूज करना है। आप इससे दिए को सुबह भी जला सकते हैं, शाम को भी जला सकते हैं, अपने मंदिर में जला सकते हैं, घर के पूजा स्थान में जला सकते हैं। आपको आटे का एक दिया बनाना है, इसमें अलसी का तेल डालना है और घर में जो भी आपका पूजा स्थान है वहां पे आपको इसे जला देना है। तो राहु केतु की दशा आपकी जिंदगी में सामान्य हो जाएगी और आपकी जिंदगी में जो उथल पुथल बची हुई है वो भी ठीक हो जाएगी, यानी कि आप सब जगह से आपको शांति महसूस होने लगेगी घर में। अब तीसरा उपाय दोस्तों, ये आपको मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार दोस्तों 11 मंगलवार आपको करना है, ये आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए है। आपकी कोई भी मनोकामना, आपकी कोई भी विश है और वो आप चाहते कि वो पूरी हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक आटे का आपको दिया जलाना है और घी वाला दिया ही रहेगा दोस्तों। आपको मंगलवार के दिन, आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, आप चाहे तो दोपहर में ना करें दोस्तों, सिर्फ सुबह और शाम करें। तो आपके आसपास कोई पीपल वृक्ष हो तो पीपल वृक्ष के पास में आपको जाना है, एक आटे का दिया लेकर के घी डाल करके इसको आपको वहां पे जला देना है। और पीपल देवता के आपको 7 बार परिक्रमा लेनी है, और परिक्रमा लेते हुए दोस्तों आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो विश है, उसका मन में याद करना है, यानी कि मन में बार बार दोहराना है कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए या ये मेरी मनोकामना पूरी हो गई है। अब इस प्रकार के विचार रख के और पीपल देवता के 7 बार परिक्रमा ले लेंगे। आप देखेंगे 11 मंगलवार आपको ये करना है, 11 मंगलवार से पहले ही हो सकता है आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, लेकिन जब तक आपको 11 मंगलवार करना है तो 11 मंगलवार ही आपको करना है, बीच में गैप नहीं करना। अगर मनोकामना पूर्ण हो जाती है तब भी आपको 11 मंगलवार तक इस उपाय को करना है। तो बिना वजह अगर आपकी जिंदगी में कोई बार बार परेशानियां भी आ रही हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, ये मनोकामना पूर्ति के लिए। और बिना वजह परेशानियां लगी हुई है, घर में बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई है, तो इसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं, बहुत ही कारगर है। अब दोस्तों मनोकामना पूर्ति के लिए दूसरा उपाय वाले जो शनिवार का है,
आपको ये चार शनिवार आपको करना है, यानी कि आपको चार शनिवार आप किसी भी दिन किसी भी समय सुबह शाम दोपहर कभी भी कर सकते हैं इसको, जब भी आपको समय मिलता है थोड़ा स्वच्छ पवित्र होकर के इस उपाय को आपको करना है। तो आपको घी का दीपक लेकर के शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के पास ही जाना है और वहां पर इस दिए को जला देना है और अपनी मनोकामना बोल के भगवान से विनती करके और वहां से लौट आना है। बस याद रहे दोस्तों कि जब आप घर से निकलेंगे तो आपको कोई टोके ना, आपसे कोई बात ना करे, और जब घर तक घर से पीपल के वृक्ष तक जाते तक और वहां से घर आने तक आपको बिल्कुल बात नहीं करना है, यानी कोई आपको रोके ना टोके ना, आपको किसी से बात नहीं करनी है, और ये करके आपको शनिवार के दिन घर वापस आ जाना है। उसके बाद आप बात कर सकते हैं, लेकिन घर से जब इस उपाय को करने के लिए आप निकलेंगे और पीपल वृक्ष तक पूजा करके जब तक आप घर वापस नहीं आ जाते हैं, कोई आपसे बात ना करे, कोई आपको रोके ना, कोई टोके ना, ये उपाय करेंगे तो आप देखेंगे आपकी बहुत जल्द मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी जो भी परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएगी। दोस्तों मनोकामना कुछ भी हो सकती है, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, या फिर पैसा नहीं आ रहा है, पैसा आने लगे, जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना मन में रखते हुए ये आप उपाय करिए, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिए, इससे माता रानी की और दया की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली, आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।